तेजस्वी प्रकाश ने शो बिग बॉस सीजन 15 का खिताब जीत तो लिया, लेकिन आज तक तेजस्वी प्रकाश को इन चीज़ों के लिए ट्रोल किया जाता है। वाल आखिरकार कुछ ऐसे भी फैंस हैं जो तेजस्वी प्रकाश को लेकर अब तक कहते हैं कि बिग बॉस सीजन 15 की वो डिजर्विंग विनर नहीं थी और सिर्फ उमर रियाज, करण कुंद्रा और साथ ही साथ प्रतीक सहजपाल को यूज़ करके शो में टीआरपी लाया गया और आखिरी में जीत उसी की हुई जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डाला था। वेल, आखिरकार क्या है ये पूरी अपडेट, किस तरीके से फैंस भड़क रहे हैं, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। हेलो, आपको बता दूं कि बिग बॉस सीजन 15 की जर्नी तो ख़त्म हो गई, शो का विनर भी सामने आ गया, लेकिन अब भी कुछ ऐसे फैंस हैं जो कि अपना गुस्सा जो है वो आए दिन सोशल मीडिया पर निकालते नज़र आते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि तेजस्वी प्रकाश को लेकर अब भी यही बातें सामने आती हैं कि तेजस्वी ने सबसे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कहा कि तेजस्वी सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस के लिए हाफ पेमेंट ले रही थी और हाफ के लिए उनका यही शर्त था कि वो नागिन 6 में तभी काम करेंगी जब बिग बॉस का विनर उन्हें बनाया जाएगा। और ऐसे में प्रतीक सहजपाल, उमर रियाज, साथ ही साथ करण कुंद्रा, इन सभी के फेम को यूज़ किया गया बिग बॉस सीजन 15 में। कहीं ना कहीं फैंस को और फैंस की जो तागाज है उसे खींचने के लिए बिग बॉस के मेकर्स ने इन तीनों सुपरस्टार्स को कहीं ना कहीं अप्रोच किया, उनको यूज़ किया और फाइनली तेजस्वी प्रकाश को बिग बॉस सीजन 15 का विनर बना दिया। वेल, ऐसा हम नहीं, ऐसा आज तक कई फैंस का मानना है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्या सच में तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस में एंट्री लेने से पहले ही साइन कर ली थी कॉन्ट्रैक्ट? हमें भी कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन ज़रूर शेयर करें।